हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पे। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेल्स बुक के बारे में। सेल्स बुक से रिलेटेड मैं इस वीडियो में पूरा सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा, जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, इसके फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सेल्स बुक के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स बुक के मीनिंग की, कि इसका मीनिंग होता क्या है। देखिए, सेल्स बुक मतलब हो गया कि जिस बुक में आप अपने क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं उसे सेल्स बुक कहते हैं। सपोज़ कीजिए आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, आपने क्रेडिट में 10,000 का फर्नीचर सोल्ड किया है, तो वो जो ट्रांजैक्शन की एंट्री है वो हमारी सेल्स बुक में की जाएगी। ओके, द बुक इन विच क्रेडिट सेल ऑफ फर्म आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सेल्स बुक। ठीक है, अब कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स जो सेल्स बुक को पढ़ते समय हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि कैश सेल और सेल ऑफ एनी एसेट वेदर इन क्रेडिट और कैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि सेल्स बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है, लेकिन सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं होता ये भी हमें जानना इम्पोर्टेंट है। तो जो कैश सेल होती है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरा, सेल ऑफ असेट, सेल असेट्स की सेल को भी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो कैश में की हो चाहे वो क्रेडिट में की हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन आर इनवॉइस। सेल्स बुक के प्रिपेयर करने का जो बेस है वो हमारा इनवॉइस होता है। इनवॉइस के बेसिस पे हम सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं। तीसरी बात कि सेल्स बुक को इनवॉइस बुक और सेल्स जनरल और सेल्स डीप बुक भी कहा जाता है। ये हो गया हमारे सेल्स बुक का मीनिंग और उसके रिलेटेड कुछ रिमार्केबल पॉइंट। अब सीधा चलते हैं हम इसके फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, जो सेल्स बुक का फॉर्मेट है वो सेम परचेज बुक के तरह होता है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता उसके फॉर्मेट में, क्योंकि परचेज बुक भी इनवॉइस के बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है तो सेल्स बुक भी इनवॉइस के बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, सेल्स बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह है। जो सबसे फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है डेट का, जिसमें हम ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ है वो रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर, उसके बाद में आता है पर्टिकुलर्स, उसमें हम जो फर्म को हमने सामान बेचा है सबसे पहले उसका नाम आएगा, उसके बाद में जो सामान हमने बेचा है उसकी डिटेल आएगी। कि जैसे मैंने बोला ना फर्नीचर सोल्ड किया है तो 10,000 का फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें आता है इनवॉइस नंबर, कि कौन से इनवॉइस के बेसिस पे हम ये सेल बुक का जो में ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो इनवॉइस हमें यहाँ पे लिखना होता है। देन LF मतलब लेजर फोलियो, कि इस ट्रांजेक्शन की हमने लेजर पोस्टिंग लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे की है वो यहाँ पे हमें लिखना होता है। उसके बाद में आता है अमाउंट कॉलम। अमाउंट कॉलम को हमने दो कॉलम्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है डिटेल। डिटेल में क्या लिखते हैं कि हमने जो सामान बेचा है उसकी वैल्यू क्या है, उसमें अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वो डिडक्ट करेंगे, या फिर हमने पैकिंग चार्ज लिया है तो वो ऐड करेंगे। ये सब करने के बाद में जो टोटल अमाउंट आता है वो हम टोटल कॉलम में लिख देते हैं। इस तरह से हमें जो कैश सेल बुक है उसका फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट और भी अच्छे से समझ में आ जाए, उस सेल्स बुक भी हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ शर्मा फर्नीचर हाउस। ठीक है, शर्मा फर्नीचर हाउस की हमें सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है। हमें ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं 2016 नवंबर 1, सोल्ड गुड्स ऑन टू क्रेडिट टू गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा। हमने 2016 नवंबर 1 को गुप्ता फर्नीचर्स को सामान बेचा है, जिसमें 1500 तो चेयर्स हैं और 400 टेबल हैं। एक चेयर की प्राइस है 300 रुपये और एक टेबल की प्राइस है 600 रुपये। इसी के साथ
हमने गुप्ता फर्नीचर को 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। ओके, इसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन हुआ है नवंबर 12, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू फर्नीचर मार्ट शाहपुरा। हमने फर्नीचर मार्ट को भी क्रेडिट में सामान बेचा है। उसमें क्या क्या बेचा है? 100 अलमीरा एट द रुपीज़ 3000 ईच। 100 अलमीरा बेची है, 1 अलमीरा की प्राइस है 3000, और 50 सोफ़ा सेट्स एट द रेट 5000 ईच, और 50 सोफ़ास के सेट बेचे हैं, और 1 सोफ़ा सेट की प्राइस है 5000 रुपये। ओके, और इस पर भी हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20%। के बाद में सॉल्ड गुड्स फॉर कैश टू वर्मा फर्नीचर नाथवारा, ठीक है, हमने वर्मा फर्नीचर को भी सामान बेचा है, वो भी कैश में, ठीक है, 800 चेयर्स एट द रेट 400 ईच की, हमने 800 चेयर बेची है और एक चेयर की प्राइस है 400 रुपये। और नवंबर 27 आखिरी जो ट्रांजेक्शन है उसमें है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुबोध मशीनरी। हमने क्रेडिट पे सुबोध मशीनरी को कुछ बेचा है, जिसमें क्या क्या है वो, सबसे पहले तो हमने 25 ओल्ड मशीन बेची है जिसकी एक मशीन की प्राइस 1000 रुपये, और 5 ओल्ड टाइपराइटर बेचे हैं, 5 पुराने टाइपराइटर बेचे हैं, और 1 टाइपराइटर की वैल्यू है 3500 रुपये। तो देखिए, हम सिर्फ एंट्री फर्स्ट ट्रांजेक्शन और सेकंड ट्रांजेक्शन की करेंगे, नवंबर 23 और नवंबर 27 के जो ट्रांजेक्शन है उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? नवंबर 23 की तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश में सेल किया गया है, चाहे और वो गुड्स है, लेकिन मैंने अभी जब आपको इसके रिमार्केबल पॉइंट्स बताए और इसका मीनिंग बताया सेल्स बुक का, तब मैंने आपको बोल दिया था कि सेल्स बुक में हम कैश रिलेटेड सेल नहीं रिकॉर्ड करते, तो यहाँ पर इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन जो नवंबर 27 है उसमें हम हमारे पुरानी मशीन और पुराना टाइपराइटर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी असेट्स थी और जिसे हम बेच रहे हैं, तो असेट्स चाहे कैश में बेचें या फिर क्रेडिट में, वो तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती नहीं है, क्योंकि सेल्स बुक सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए ही बनी है, तो ये भी नहीं रिकॉर्ड होगा। तो चलिए नवंबर 1 और नवंबर 12 की हम एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मेट तैयार करूँगा सेल्स बुक का, मैंने लिख बना दिया है सेल्स बुक ऑफ शर्मा फर्नीचर हाउस का फॉर्मेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन नवंबर 1 को मैंने क्या किया था, गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा को 1500 चेयर और 400 टेबल बेची थी, जिसके एक चेयर की प्राइस थी 300 रुपीज़ और एक टेबल की प्राइस थी 600। अब यहाँ पे मुझे इनवॉइस नंबर इसने दिया हुआ नहीं है, तो मैं वो यहाँ पे फिल नहीं करूँगा। अगर क्वेश्चन में वैसे तो दिया हुआ होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर नहीं दिया होता, तो आपको फिल नहीं करना है, लेकिन आप अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। इसके बाद में एक चेयर की प्राइस 300 है, तो 1500 चेयर की प्राइस हो गई 450,000 रुपये। इसके बाद में एक टेबल की प्राइस 600 रुपये हैं, तो 400 टेबल की प्राइस होगी 240,000 रुपये, इसका टोटल हो गया 690,000 रुपये, राइट। इसके बाद में मैंने इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है गुप्ता फर्नीचर को, तो मैं वो डिडक्ट कर दूंगा। 690,000 रुपीज़ का 10% जो डिस्काउंट है वो हो गया 69,000 रुपीज़, और जब मैंने इसे लेस किया तो टोटल हमारी जो सेल है वो है 621,000 रुपीज़ की। इसके बाद में नवंबर 12 को मैंने फर्नीचर मार्ट ऑफ शाहपुरा को भी इस कुछ गुड्स बेचा है, जिसमें 100 अलमीरा है जिसकी एक अलमीरा की प्राइस है 3000 रुपये, और 50 सोफ़ा सेट है और एक सोफ़ा सेट की प्राइस हो गई 5000 रुपये। तो यहाँ पर सेम मैंने इनका टोटल लिख दिया है, अलमीरा का टोटल हो गया 300,000 रुपये और सोफ़ा सेट का टोटल हो गया 250,000 रुपये, तो इन सब का टोटल जब मैंने ऐड किया तो 550,000 रुपीज़ आ गया। इस पे मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। देखिए 550,000 का 10% होता है 55,000, तो 20% कितना हो गया, जस्ट डबल, और जस्ट डबल होता है 110,000,
और 1,10,000 मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। जब मैंने 5,50,000 से 1,10,000 लेस किया तो मेरा जो टोटल है वो आता है 4,40,000 रुपीस। इसके बाद में नवंबर 30 एट द एंड ऑफ द मंथ हम एक एंट्री पास करते हैं सभी सब्सिडरी बुक्स में, इसमें भी करेंगे। इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि सामान हमारे पास से जा रहा है। तो 10,61,000 की टोटल इस मंथ की सेल हमने लिख दी। इस तरह से सेल्स बुक के हम क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेल्स बुक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वो मुझे ईमेल करके बता दीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।